रेनबो फैमिली, वेलकम बैक टू माय रेनबो वर्ल्ड। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ बॉम्बे शेविंग कंपनी की जो ट्रिमर है, आईब्रो ट्रिमर 4-in-1, उसके बारे में। तो रिसेंटली मैंने इसे परचेज किया था गाइस, तो इसे मैं 2 times यूज कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा ये राइट टाइम है आपको रिव्यू देने के लिए कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूंगी। थोड़ा मुझसे मैच हो गया था और बैकग्राउंड में थोड़ी वॉइस आ रही होगी। एक्चुअली हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो थोड़ा उसे अवॉइड कर देना। तो सबसे पहले मैं पैकेजिंग की बात करूँगी गाइस। तो पैकेजिंग कुछ ऐसी है, ये अच्छी है, मतलब आप इजी कहीं भी कैरी कर सकते हो उसको, और बहुत लाइट वेट है। तो इसमें है ब्रोशर, ये ऐसे है। यहाँ पे एक सेल थी, ये पीछे के साइड था, तो वो सेल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट की हुई है, आप देख सकते हो। अटैचमेंट, इसमें 4 अटैचमेंट है, 1, 2, 3, 4। तो मैंने ना ये और ये अटैचमेंट यूज किया है, ये ऐसे है। सेल इसमें साथ में ही दी हुई थी और कोई ऐसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत आसानी से ये देखो ओपन हो जाता है और ये लॉक भी हो जाता है। और यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप कंसंट्रेट नहीं करते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप नहीं करोगे। अभी करंट में मैंने यहाँ पे किया हुआ है आईब्रो और थोड़ा मिस हो गया था, और जिसके वजह से मेरा थोड़ा ज़्यादा आईब्रो यहाँ से चला गया। अभी तो मैंने थोड़ा आईब्रो किया हुआ है आईब्रो पेंसिल से, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके वजह से मुझे इसको भी स्मॉल करना पड़ा, तो मेरी थोड़ी ब्रॉड थी आईब्रो, तो ये थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया। तो इसको मतलब जब आप यूज़ कर रहे हो ना तो आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। और दूसरी बात, इसका जो मतलब हेयर रिमूव होता है ना, बहुत मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे इससे अच्छा तो आप कोई रेज़र यूज़ कर लेते हो ना, शेविंग वाला, वो ज़्यादा अच्छा है। बॉम्बे शेविंग कंपनी का रेज़र आता है जो फेस रेज़र होता है, वो ज़्यादा मुझे इजी लगता है क्योंकि उससे तुरंत हो जाता है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, बहुत ज़्यादा देर उसको होल्ड करके। एक तो जल्दी है ना, इस पर आता भी नहीं है, जैसे वो शेविंग होती है ना वैसे ही काम कर रहा था, कोई ऐसे ईजी नहीं था कि ईजी हो जाए। हाँ, आप इसको फेस के लिए बहुत ईजीली यूज़ कर सकते हो, वो अच्छा है, लेकिन आईब्रो के लिए ना मुझे ऐसा लगता है इसको यूज करने के बजाय, क्योंकि इसका ना प्रेशर हमको पता नहीं होता है। अभी फेस रेजर कैसे होता है ना, हमारा प्रेशर हमारे हाथ में होता है कि उसको कैसे लाइटली करना है, मतलब या जल्दी से करना है, वो हमारे हाथ में होता है। लेकिन ये ना वाइब्रेट होता है ना, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है, जैसे ही हम करने जाते हैं कुछ और हो जाता है। तो आईब्रो के लिए तो मुझे ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट लगा। अगर देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं आपके, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको प्रॉपर शेप देना है तो थोड़ी डिफिकल्टी इससे होती है। और फेस के लिए, ऑल ओवर फेस के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, मतलब थोड़ा पुश करना पड़ता है। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, ये वाला अटैचमेंट, ये अटैचमेंट निकालना बहुत इजी है, लगाना भी बहुत इजी है, बस ऐसे और ऐसे। ये अंदर जो है ना वो मूव होता है, तो इसको ऐसे ऐसे करके निकालना है, लेकिन बहुत लाइट ऐसे नहीं है। अगर देखिए, अगर आपकी अपर लिप्स बढ़ गई है ज़्यादा, अगर आपके छोटे छोटे हेयर्स हैं ना, तो निकालने में दिक्कत होगी, इससे बहुत ज़्यादा प्रेस करके निकालना पड़ेगा। और अगर आपके लॉन्ग हेयर है, थोड़ी ज़्यादा हेयर हो गए अपर लिप्स के, तो ईजीली निकल जाएगा। ये मुझे इसलिए अच्छा लगा, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप फेशियल रेजर यूज़ करते हो, फेस पे यूज़ करते हो तो नहीं, लेकिन अपर लिप्स पे आप यूज़ करते हो ना, तो थोड़ा लाइन जैसे, और थोड़ा ना वो जब भी आपको अपर लिप्स आ जाते हैं ना, तो बहुत हाइलाइटेड होता है, तो इससे नहीं होता है और जल्दी नहीं आता है। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि इससे जल्दी नहीं ग्रोथ हो रहा है, एज कम्पेयर टू रेजर के बहुत जल्दी ग्रोथ हो रहा था, इससे नहीं हो रहा है। ये सेम मुझे रेजर जैसे ही लगा, ऐसे कुछ वो नहीं, से वाइब्रेट होता है। और ये थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, पर थोड़ा ये है कि आपको प्रेस करना है, और ये तो आपको हेयर सेट करना है, मतलब आपके जो ये हेयर्स है, मतलब ये अटैचमेंट के साथ ही आप इसको करो, अगर आपके लॉन्ग हेयर है, देखिए ऐसे अटैच करना है।
क्लीनिंग के लिए भी ये लोगों ने ब्रश दिया हुआ है, आप ऐसे क्लीन कर सकते हो। तो मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस मैं अगर कहूँ ना तो मुझे ओके लगा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मैं एज कम्पेयर टू सिर्फ अपर लिप्स के लिए उसे यूज़ करना चाहूँगी, बाकी पूरे फेस के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हैबिट हो गया है। अगर आप बिगनर हो तो भी इसके लिए मत जाना, आईब्रो के लिए, फेस आप फेशियल हेयर के लिए जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता है कि आपको शेप देना है। लेकिन आईब्रो के लिए अगर आप बहुत प्रो हो तो ही जाओ, अदरवाइज नहीं, क्योंकि इसका जो प्रेशर है ना उसको होल्ड करना डिफिकल्ट है। मेरे से खुद हो गया, क्योंकि थोड़ा मेरा नज़र हटा, मैंने सोचा थोड़ा सा निकालूंगी और यहाँ से निकल गया। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप डेफिनेटली इसको अपर लिप्स के लिए यूज़ कर सकते हो, फेशियल हेयर के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगेन मैं आपसे कहूँगी अगर आपके स्मॉल हेयर्स है तो वो नहीं अच्छे से क्लीन होंगे। अगर आपके बिग हेयर आ चुके हैं तो अच्छे से क्लीन होगा, अदरवाइज नहीं। तो मैं इसे ओके कहूँगी, ना थम्स अप ना थम्स डाउन, मतलब ओके कहूँगी। आई होप ये बॉम्बे शेविंग 4-in-1 ट्रिमर का आपको रिव्यू अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।